आज हरियाणा में इस गठबंधन का कोई असर होगा क्या? इस गठबंधन से यहाँ कोई फर्क, यहाँ अगर स्टालिन जुड़ जाए या ममता बनर्जी जुड़ जाए या शरद पवार जुड़ जाए तो हरियाणा फर्क पड़ने वाला है? तो फिर क्या फायदा है इस गठबंधन का? ये केवल मीडिया अपॉर्चुनिटी है नेताओं के लिए कि उन्होंने गठबंधन कर लिया। मुद्दा इंडिया गठबंधन का हो या संसद की सुरक्षा में चूक का, देश और हरियाणा की राजनीति ने दोनों ही। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। मुद्दों पर गर्मा रही है, आज रोहतक में दोनों ही मुद्दों पर चर्चा हुई। चूक तो संसद की सुरक्षा में हुई है, बीजेपी नेता ये बांध भी रहे हैं, मगर सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों के लिए वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां मामले की तहकीकात कर रही हैं और जो भी जांच में पाया जाएगा वो जल्द सामने आएगा। सुरक्षा की चूक निश्चित रूप से ये गंभीर मसला है और कुछ थोड़ी चूक तो जरूर हुई है। दरअसल आज रोहतक में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद अनिल जैन और रोहतक लोकसभा सांसद अरविंद शर्मा ने संसद में हुई सुरक्षा में सेंध को लेकर कहा कि चूक हुई है, इसकी जांच एजेंसियां कर रही हैं। वहीं 15 सांसदों की सदस्यता रद्द होने पर कहा कि इन सांसदों का व्यवहार ठीक नहीं था, इसलिए सदस्यता रद्द की गई। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, सीआरपीएफ के जो है डीजी वो उसके अध्यक्षता में टीम बनाई है, वो सारी जांच चल रही है। जांच का आने के बाद ही पता लगेगा उनकी मंशा क्या थी। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी मंशा देश में अराजकता फैलाने की थी, और इसमें तो प्राइमरी फेशिया से जो आप समझते हो फर्स्ट उससे पता लग जाता है कि इतनी बड़ी बात नौजवानों ने वहाँ पर कूद करके जो की है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसकी जांच चल रही है और जल्दी जांच की रिपोर्ट आने से सारी क्लियर होगी। जिस तरह से नीलम हरियाणा की जिंदगी रहने वाली है, उसने बेरोजगारी, तानाशाही, आवाज न उठाने को लेकर जेल तक जाने, देखिए जो लग रहा है वो है नहीं, वो आएगी सारी बात, रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा। जांच सामाजिक संगठनों ने भी कहा है कि भाई ये सही क्या नीलम ने गलत किया, क्योंकि बेरोजगारी हरियाणा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब उसकी जांच निकल करके आएगी तब पता लगेगा कि वो क्या बात हुई। सारी बात सांसदों की, सांसद जैसे बर्ताव करेंगे, अगर ऐसा बर्ताव करेंगे वेल में जाकर के इस तरह से स्पीकर और जो है राज्यसभा में जिस तरह की बातें करेंगे तो उसमें तो एक्शन होगा। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन ने कहा कि जो संसद की सुरक्षा में चूक हुई उसकी जांच चल रही है, जांच के बाद सब साफ होगा कि आखिर उनके पीछे कौन और क्या साजिश थी। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर अनिल जैन ने क्या कुछ कहा सुनिए। सुरक्षा की चूक निश्चित रूप से ये गंभीर मसला है और कुछ थोड़ी चूक तो जरूर हुई है, इसकी जाँच हो रही है, दोषी पकड़े भी गए हैं आपको पता है, और उनके मकसद कहां से जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं, इसकी तहकीकात के बाद जानकारी आएगी। लेकिन तहकीकात भी हो रही है और ईश्वर की कृपा से कोई बड़ा नुकसान नहीं पाया है, क्योंकि बाकी चीज़ें जब पैसा तक एक सिक्का तक रखवा लेते हैं तो, लेकिन अब जो कैनिस्टर जो लाए थे अब वो जूते में दबाकर पाउडर, स्मोक बम नहीं था वो, पाउडर था। उसकी प्रक्रिया ऐसी होती है कि जो निकल सकता है तेजी से प्रेशर के साथ स्प्रे जैसा, तो लेकिन फिर भी ये भी नहीं होना चाहिए, ये निश्चित रूप से एक चूक है और इसको इसके ऊपर जो एजेंसीज हैं वो जांच कर रही हैं, जरूर दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। सबसे आखिरी सवाल, 15 सांसदों की जो सदस्यता है वो निलंबन किया गया है, रद्द की गई है, इसमें 14 लोकसभा के, एक राज्यसभा का, तो जो आवाज कह रहे हैं, जो आवाज उठाते हैं उसका निलंबन करते हैं। अच्छा ये बताओ आवाज उठाने का तरीका होता है, मैं राज्यसभा में हूँ, जो डेरेक ओब्रायन को पिछले 3-5 बार चेतावनी देकर छोड़ा भी गया है,
लेकिन जिस प्रकार से आप चेयरमैन की कुर्सी के पास जाकर पटक पटक कर और इतने अपमानजनक दृष्टि से आप बात करोगे तो देश के लोग क्या देखेंगे, कैसे सांसद हैं, इन पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो सब लोग यही करेंगे अराजकता। इसलिए ये अराजकता किसी की नहीं, ये इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये ठीक है, सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए, उसमें जो चूक हुई है उसकी जांच हो रही है और उसके पता लगेगा, एजेंसी पता लगा कर बताएंगी। लेकिन इस बहाने राजनीति करना, इस बहाने राज्यसभा लोकसभा को बाधित करना, लोगों के जो अधिकार है, प्रश्न है, शून्यकाल है, बिल्स है, ये देश के कल्याण के लिए तो है, इनको रोकना ये कहाँ की समझदारी है। आप संगठन में रहो सर, इंडिया गठबंधन को लेकर किस तरह जॉब करता है? देखिए इंडी गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन ये मीडिया अपॉर्चुनिटी है। आप इस गठबंधन का राज्यवार अगर विश्लेषण करेंगे तो आप अपने हरियाणा में देख लो, आज हरियाणा में इस गठबंधन का कोई असर होगा क्या? इस गठबंधन से यहाँ कोई फर्क, यहाँ अगर स्टालिन जुड़ जाए या ममता बनर्जी जुड़ जाए या शरद पवार जुड़ जाए तो हरियाणा फर्क पड़ने वाला है? के पढ़ना है भाई, नहीं पढ़ना तो फिर के फायदा है इस गठबंधन का? गठबंधन ये केवल मीडिया अपॉर्चुनिटी है नेताओं के लिए कि उन्होंने गठबंधन कर लिया। अनिल जैन ने इंडिया गठबंधन को लेकर तंज कसते हुए कहा कि इंडी गठबंधन से ममता और अखिलेश पीछे हट गए हैं, इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ मीडिया एक्सटेंशन लेक के लिए बनाया गया है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।